हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एसी लाइन टेस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एसी लाइन टेस्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपली बन जाता है। इसकी हेल्प से आप गाइस जो हमारी वायर होती है उसे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं, वो भी बिना छुए। इसे बनाना गाइस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एसी लाइन टेस्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नंबर मैं आपको बताता हूँ, BC547 ट्रांजिस्टर है गाइस। ये 2 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। ऐसे ही हमें गाइस यहाँ पे 3 चाहिए, तीनों गाइस सेम नंबर के हैं। हमें सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर की लेग को इस टाइप से मोड़ना है, जिस टाइप से मैं मोड़ रहा हूँ। साइड वाली लेग को गाइस साइड में मोड़ देना है और जो बीच वाली लेग है उसको हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है इस टाइप से। ऐसी गाइस हमें तीनों ट्रांजिस्टर की लेग्स को मोड़ लेना है और जो हमारा एक ट्रांजिस्टर है इसकी जो बीच वाली पिन है हमें उसे हमारे चिमटी के अंदर लगाना है। यहाँ पे देखिए मेरी तीनों ट्रांजिस्टर की वैसे ही लेग मोड़ ली है। जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है गाइस उसकी बीच वाली लेग को हमें यहाँ पे इस टाइप से चिमटी में लगाना है और जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर की गाइस थर्ड पिन है उसके साथ हमें सेकेंड ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन को कनेक्ट कर देना है इस टाइप से, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है और हम हमें यहाँ गाइस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ट्रांजिस्टर है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थर्ड ट्रांजिस्टर है, इसको हमें सेकंड ट्रांजिस्टर की थर्ड वाली पिन के साथ इसकी बीच वाली पिन को कनेक्ट करना है। देखिए गाइस इस टाइप से ये कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसकी थर्ड पिन के साथ सेकेंड वाले की बीच वाली और सेकेंड वाला है उसकी थर्ड पिन के साथ उसकी थर्ड वाले ट्रांजिस्टर की पिन कनेक्ट हो गई है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें गाइस इसकी जो फर्स्ट लेग है, ठीक है, तीनों ट्रांजिस्टर की एक साथ हमें मिला देना है इस टाइप से मोड़ के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस टाइप से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, मिलाने के बाद हमें इसके ऊपर जो है शोल्डरिंग करनी है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से हमें अब हमारी जो पिन है इसे इस टाइप में फंसा देना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे शोल्डरिंग कर देनी है शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। जो गाइस हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसकी जो फर्स्ट लेग है गाइस वो छोटी है, हमें उसके साथ एक जम्पर वायर कनेक्ट करनी होगी। यहाँ पे गाइस मैं इसके साथ एक जम्पर वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फटाफट से एक जम्पर वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। गाइस जब तक मैं यहाँ पे जंपर वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए हमें इस टाइप से ट्रांजिस्टर के साथ जो कनेक्ट करनी है हमें जंपर है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे चिमटी की हेल्प से हल्का सा मोड़ के कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे शोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे हो चुकी है शोल्डरिंग। अगर गाइस आपके पास शोल्डरिंग आयरन नहीं है, इससे पहले वाली जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं और आसानी से शोल्डरिंग आयरन घर में बना सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो है ट्रांजिस्टर जो है बन चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं और जो हमारी ट्रांजिस्टर की इधर की कनेक्टर है फर्स्ट जो है ट्रांजिस्टर की तीनों की लेग से एक साथ शॉर्ट कनेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं और इधर की जो थर्ड की लेग है वो सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर पे, ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट है। और अब हमें यहाँ पे इसको कट कर देना है फालतू लेग्स को। आप अब आसानी से देख सकते हैं गाइस किस टाइप से मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, देखिए, और जो हमारी यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो हमारा थर्ड वाला है उसकी जो फर्स्ट लेग है हमें उसको यहाँ पे बाहर की तरफ मोड़ लेना है, देखिए इस टाइप से। और अब हमें इसको यहाँ पे हमारी चिमटी के अंदर कनेक्ट करना है। यहाँ पे गाइस मैं इसको अच्छे तरीके से रख लेता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे अब आपको पूरा क्लियर डायग्राम जो है दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अब हमें गाइस यहाँ पे एक LED चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कलर की LED का यूज़ कर रहा हूँ, 3 mm की, ये आपको 1 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है, मार्केट में। ठीक है, और ये इसका जो बड़ी लेग है वो प्लस की है और जो छोटी है वो माइनस की है। हमें यहाँ पे इसको इस टाइप से खोल लेना है। जो माइनस वाली लेग है गाइस उसे हमें कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ। यहाँ पे देखिए इस टाइप से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, देखिए इस टाइप से यहाँ पे हमारी LED कनेक्ट हो चुकी है। गाइस आप चाहो तो इसके साथ 1K की रजिस्टर जो है लगा सकते हैं, लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है। ठीक है, सीधा ही आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें गाइस यहाँ पे कॉपर की वायर चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर की वायर का ही गाइस यहाँ पे यूज़ करना, इंसुलेटेड कॉपर की वायर यहाँ पे चलेगी। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के ऊपर लपेट के इसे वायर को एक स्प्रिंग सा बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से
ये बन चुका है स्प्रिंग, हमें अब इसे बाहर निकालना है। ठीक है देखिए, और इसकी गाइस जहाँ से हमें कनेक्ट करना है उस तरफ से हमें इसको जो है सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने गाइस इसे पहले ही रफ कर लिया था, रफ करके ही गाइस आप शोल्डरिंग करना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हमें इसको कहाँ कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ। जो गाइस हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन हमने छोड़ी है ना, वहाँ पे हमारे जो है ये कनेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाफट से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए गाइस हो चुका है कनेक्ट हमारा स्प्रिंग भी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गाइस सर्किट आधा बन के कम्प्लीट है। अब हमें यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट करनी है। यहाँ पे गाइस मैं 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे अब हमें इसको लगाना है और इस टाइप से हमें इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए जो LED है गाइस वो प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगी और जो ट्रांजिस्टर की गाइस थर्ड पिन है वो माइनस पे कनेक्ट होगी। देखिए यहाँ पे इस टाइप से मैं यहाँ पे फटाफट से इसके ऊपर शोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से मैं शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से शोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे गाइस शोल्डरिंग हो चुकी है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो है AC लाइन टेस्टर बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ और किस टाइप से गाइस ये वर्क करता है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस मेरे पास ये शोल्डरिंग आयरन है, इसे मैं यहाँ पे हमारा प्लग इन कर देता हूँ 220 वोल्ट में। देखिए गाइस यहाँ पे इसके अंदर लाइन आ चुकी है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर करंट आ रहा है। अगर गाइस हमें इसकी वायर चेक करनी हो कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं, आप ऐसे इजीली चेक कर सकते हैं इसके पास ले आकर। यहाँ पे गाइस आपको LED शो नहीं हो रही होगी अच्छे से, इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं और अब जो है मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस जैसे ही मैं इसके पास लेकर जाता हूँ तो हमारी जो है LED ग्लो हो रही है, मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई आ रही है। अगर गाइस बीच में से वायर कहीं से ख़राब है तो आगे गाइस उसके ये ग्लो नहीं करेगी। ठीक है, यही इसका वर्क है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे गाइस इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।